स्पीकर महोदय, ये हमारे चुनाव क्षेत्र की समस्याओं की किताब है। अगर मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए तो मैं उन सभी समस्याओं से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। अरे आप लोग हंस क्यों रहे हैं? मैंने कोई कॉमेडी की है क्या? नहीं ना, हंसना बंद कीजिए। अध्यक्ष महोदय, नारायण स्वामी जी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि असेंबली में आए हैं, किताब लेकर स्कूल में पढ़ने आए हैं ऐसा लगता है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, इसमें हमारे चुनाव क्षेत्र की समस्याएं लिखी हैं। स्पीकर महोदय ने साइलेंस बोला, आप फिर भी हंस रहे हैं। चुप हो जाइए। ये क्या स्पीकर महोदय, ये तो आपकी भी नहीं सुन रहे। द हाउस इज एडजर्न्ड टुमारो एट 8 एएम। चलो यार, चलो चलो। भास्कर रेड्डी जी, आज का अधिवेशन आपसे शुरू करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले सरकार की भ्रष्टाचार की वजह से पूरे राज्य का सर्वनाश हो गया है सर। क्यों सर्वनाश हुआ है उसकी वजह बता रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। प्रचार तो राम राज्य का हो रहा था, लेकिन राज्य में राक्षस राज्य हो गया है अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस तरह बात करनी पड़ रही है। ये क्या बोल रहे हो तुम? हमारी सरकार को राक्षस की सरकार बोल रहे हो? मुंह पे जुबान है तो क्या कुछ भी बोलोगे भास्कर रेड्डी? आगे के 5 साल तुम सत्ता में कैसे रहोगे ये मैं भी देखूंगा। ए, तुम क्या देखोगे? मुंह बंद करके बैठो, नहीं बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। क्या कर लोगे तुम? मैं क्या करूंगा, हमारी मेजोरिटी कितनी है पता है ना? 100 लोग हैं। अगर हम चाहेंगे तो तुम में से एक भी असेंबली को छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ, कुरुक्षेत्र में कौरव भी 100 ही थे, याद है ना? लेकिन अंत में क्या हश्र हुआ उनका? हमने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। बहुत बोल चुके हो तुम, अब बैठ जाओ। तुम कौन होते हो हमें बिठाने वाले? तेरे सामने ही बोल रहा हूँ, अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो असेंबली छोड़ के कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा, कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो, नहीं जा पाएंगे? मतलब मारोगे हमें? दम है तो आ जाना, देखते हैं। ये क्या रे, हम लोग कुछ बोलते नहीं इसलिए सर पे चढ़ गए? ए, तब से तुम ही हमें उकसा रहे हो। हमें उकसाएगा और हम भड़केंगे भी नहीं। हम क्या घूंघट ओढ़ के बैठे हैं? हिम्मत है तो हमको रोक के दिखा। जोश देखना है तो फिर आ जाओ, इधर का इधर ही फैसला कर देते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तो आ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, शांति रखिए। भास्कर रेड्डी जी, मैंने साइलेंस बोला ना, कंट्रोल रखिए। साइलेंस, साइलेंस, आप सब लोग बैठ जाइए, साइलेंस, साइलेंस। 1 घंटे के लिए सभा को स्थगित करता हूँ। भद्राचलम चुनाव क्षेत्र के एमएलए नारायण जी को मैं बात करने के लिए अनुमति देता हूँ। महोदय, आज इस सभा में मैं इन सभी के सामने एक बात बोलना चाहता हूँ। प्रोसीड। महोदय, यहाँ बैठे सभी लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने वोट दी इसीलिए ये जीते। वोट देने वाली उस जनता के बारे में कोई बात ना करके इस सभा में एक दूसरे को कोसना, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है साहब। देखा जाए तो ये बेशर्मी है। अध्यक्ष महोदय, नारायण स्वामी जी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। जनता ने आंख बंद करके वोट डालकर हमें नहीं चुना है। अध्यक्ष महोदय, इनकी मजाल तो देखिए, हमें बेशर्म बोलता है। इस बात के ऊपर तो नारायण स्वामी जी को तुरंत हमसे यहाँ क्षमा मांगनी चाहिए, अभी के अभी। भास्कर रेड्डी जी, अरे मैंने तो लोकतंत्र की बेशर्मी बोला था, आपको बेशर्म नहीं बोला। देखिए, इन क्षमाओं और झगड़े से सभा के समय को बर्बाद करने की बजाय हमें मिलकर जनता की जरूरतों और समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए। मतलब हम यहाँ झगड़ा करने आए हैं क्या? हमारे मुख्यमंत्री और हमें जनता का पालन कैसे करना है तुम बताओगे? अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर आए सारे नेताओं से नारायण स्वामी जी को क्षमा अभी के अभी मांगनी ही होगी। ये बर्ताव से तुम क्यों दुखी हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा साहब, एक बार फिर आपको बोलने का मौका जरूर मिलेगा साहब। गूंगे को माइक पकड़ा देंगे तो कुछ फायदा थोड़ा ही होगा, जितने भी मौका देंगे होने वाला कुछ नहीं है। सोच समझ के तो बात ही नहीं कर पाता है ये। ये बोलू,
क्या बात कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? मुंह बंद करके यहाँ से निकल जा, जा। उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा साहब। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा सुबैया। तुम उसकी बातों में गुस्सा देख रहे हो और मैं उन बातों के पीछे छिपी वजह। महोदय, हमारे चुनाव क्षेत्र में सारे संसाधन हैं, लेकिन उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है हमारे लोग ये ना जानने की वजह से पीछे रह गए हैं। इस बारे में सरकारी पार्टी को कई बार विनती करने के बाद भी वो लोग फंड्स अलॉट नहीं कर रहे। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे चुनाव क्षेत्र की जनता हम पर भरोसा कैसे करेगी? बोलिए महोदय। नारायण स्वामी जी, आपके चुनाव क्षेत्र की जनता की समस्या के बारे में अगली बैठक में जरूर चर्चा करेंगे। अब बैठ जाइए। स्पीकर महोदय, अभी तो मैंने बस अपनी बात रखनी शुरू ही की है और आप मुझे बैठने के लिए बोल रहे हैं। नारायण स्वामी जी, प्लीज आप बैठ जाइए। श्रीनिवास जी, आप बात कीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस सभा में सभी को बोलने का अधिकार है। मुझे अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करने दीजिए। प्लीज नारायण स्वामी जी, आप बैठ जाइए। कम से कम मुझे 10 मिनट तो बोलने दीजिए महोदय, विनती है। श्रीनिवास जी, आप अपनी बात रखिए। स्पीकर साहब, सीएम के राज में राज की हालत देखेंगे तो द्वापर युग का मानो राम राज्य वापस आ गया हो महोदय। बात मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं जनता जनार्दन बोल रही है महोदय। स्पीकर साहब, राम ने राज किया त्रेता युग में, द्वापर युग पाला है श्री कृष्ण जी ने। पहले इतिहास को जानने फिर बात करें। बोला था ना, गूंगे को माइक थमा देने से कुछ नहीं होने वाला, देख लिया? नेता तो ऐसा होना चाहिए जिसके सदन में बोलने से सब थर थर कांपे, सबकी धज्जियां उड़े, जरूरत पड़े तो वो लड़ने पे आ जाए। ये सारे गुण होते हैं सदन के नेता के, पर हमारे इस नेता को देखो, इनमें एक भी ऐसा गुण नहीं है। हम सभी लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई बंद करके आपको इलेक्शन जितवाया था, किस लिए? ताकि हम सब लोग बेरोजगार बैठे रहे कुछ ना करें। लेकिन आपको देख के तो लगता नहीं है कि आप हमारी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। ऐसा बोल रहा हूँ बोल के कुछ गलत मत समझिए, असेंबली में गला फाड़ के चिल्ला के बात करने वाले को ही नेता बोलते हैं। एक जुझारू नेता ही हमारी समस्या को सुलझा सकते हैं। एक सलाह देता हूँ, एमएलए पद से ना आज ही इस्तीफा दे दो। भद्राचल के चुनाव क्षेत्र के एमएलए नारायण स्वामी जी को बात करने के लिए अनुमति देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे चुनाव क्षेत्र के चारों ओर पानी ही पानी है, लेकिन एक घूंट भी पीने लायक नहीं है महोदय। वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत खराब है महोदय, जरा उनके बारे में कुछ सोचिए। और सिर्फ एक यही समस्या नहीं है साहब, शिक्षा, चिकित्सा, रोड, मैं तो कहता हूँ पूरा क्षेत्र समस्याओं ही समस्याओं से भरा है महोदय। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि अध्यक्ष महोदय, नारायण स्वामी जी के चुनाव क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ जनता को ही सारी समस्याएं हो रही है, लेकिन इनके राज्य में सरकार बनाने वाली पार्टी के गुंडों की वजह से वहाँ की जनता की जान जा रही है। अध्यक्ष महोदय, सत्ता इनके हाथ में है और पैसे बनाना ही इनकी पार्टी का मकसद है। दरअसल सत्ता में रहकर इन्हें अपनी दारू की दुकानें चलानी है और सारा इल्जाम हम पे थोपना है। अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ दारू की दुकान ही चला रहे हैं साहब। ये विपक्ष के लोग जब सत्ता में थे तब सीधा ब्रोथेल हाउस ही चला रहे थे। ये सही कह रहा हूँ मैं, लोगों को देखिए, बोलते कुछ है करते कुछ और है। देखिए सर, ये कैसी बातें कर रहा है, कितना गिरा हुआ आदमी है ये अध्यक्ष महोदय। साइलेंस साइलेंस, मैंने क्या गलत कह दिया अध्यक्ष महोदय? ये रमा देवी कौन है, क्या चरित्र है इनका? एक जमाने में रेड लाइट एरिया में उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं सब जानते हैं। अरे ये संसद है या फिर कुरुक्षेत्र है? शर्म आनी चाहिए तुम सबको। सरकारी पार्टी को जवाब देना है, विपक्ष की पार्टी को सवाल करना है। आप सब देखिए क्या कर रहे हैं, क्या इसीलिए जनता आप लोगों को जिता के यहाँ तक भेजती है? जनता को बदलना है, जनता बदलनी चाहिए, तब से यही सब चिल्ला रहे हैं। 5 करोड़ की जनता में से सिर्फ 299 लोग ही यहाँ आए हैं। मतलब बदलना जनता को नहीं है बल्कि हमें बदलना चाहिए।
हमारे ऊपर भरोसा करके हमको वोट देके जिताने वाली जनता के लिए हमें कोई लड़ाई या जंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी समस्याओं की चर्चा करके उनकी जरूरतों को पूरा कर दें, यही बात है। लेकिन तुम लोग देखो क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदों के बारे में सोच रहे हो और भोली भाली जनता को धोखा दे रहे हो। ये सब कुछ मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने मार खाई और मेरा कुर्ता फट गया। ये एक बहुत ही पवित्र और महापुरुषों की जगह है, ये संसद भवन है। देखा जाए तो यहाँ पर आप जैसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर सिर्फ साहसी, सच्चाई का साथ देने वाले ईमानदार लोग ही आने चाहिए। जब ऐसे लोग इस संसद भवन में आने शुरू होंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी इस राज्य और देश का भला हो सकता है।